भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लड़कियां अपना रिश्ता खुद देखने नहीं जाती, वरना वहां जाते ही बोले इस मॉडल में कोई दूसरा डिजाइन दिखाओ। हे भैया, आज के जमाने में सच्चा दोस्त वही है जो पिला दे या फिर दिला दे। ए भैया, कोई लड़की आईने के सामने खड़ी होकर अपनी शक्ल बार बार देख देख कर मुस्कुरा रही हो तो समझ जाओ कोई ना कोई उसे चने के झाड़ में चढ़ा रहा है। ए भैया, चांद भी लड़कियों से गुस्सा गया है क्योंकि जब शादी नहीं होती तो चांद में अपना पति ढूंढती है, और जब शादी हो जाती लड़का हो जाता है तो बोलती है वो देखो तुम्हारा चंदा मामा, उसकी इज्जत है कुछ। ए भैया, सोची सीधी बात, जिसे प्याज महंगी लग रही है ना लाओ ना खाओ, हमें भी तो आईफोन महंगा लगता है, ना खरीदते ना चलाते। पुरानी चैट मतलब चैटिंग मोबाइल वाली रखने से कोई फायदा नहीं दोस्तों, खुद पढ़ोगे तो दिल टूटेगा और गलती से घर वालों ने पढ़ लिया तो हड्डियां। ए भैया, हर नारी में नौ देवियों का वास होता है, लेकिन शादी के बाद कौन सी देवी प्रकट होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। ए भैया, भारतीय पत्नियों की तबीयत ज्यादातर इस बात पे निर्भर करती है कि आने वाला रिश्तेदार मायके से आ रहा है कि ससुराल से। ए भैया, कल बड़े प्यार से एक लड़की ने मुझे फोन करके पूछा तुमने खाना खा लिया क्या, हमने बोला क्यों, तुम्हें बर्तन धोना है क्या, तो ये बताइए इसमें ब्लॉक करने की क्या जरूरत थी। बहू का पहला अफेयर पता चलने पर ससुर ने जम के पीटा, दूसरी बार पता चलने पर उसके पति ने जम के पीटा, लेकिन दोनों बार सास चुप रही, पता क्यों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।